जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको पता होगा 8 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो उनको अटेम्प्ट करिए, स्कोर कमेंट करिएगा। साथ ही में जो जो चीजें आपको बताई जा रही है उनको आप नोट करते जाइए, रिविजन करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद ये 8 नंबर का है, पेन कॉपी उठा लीजिएगा, बैक टू बैक नोट करते जाइएगा। सवाल एक बहाना होता है, उसके पीछे जितने भी सवाल होते हैं उसके रिगार्डिंग, उसके परिप्रेक्ष्य में वो सारे के सारे हम आपको बताते जाएंगे। आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही है, एंड जो आपने प्यार और सपोर्ट दिया उस सब के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पूरा ये इरादा है कि इस बार मैं कोई भी चीज ना छोड़ूं जो आपके पेपर से बाहर हो जाए। पुराने पेपर को देख करके, पेपर को देख करके वही सारे सवाल जो जरूरी हैं और उनके पीछे जो बहुत सारी चीजें डाटा बचा हुआ है वो सब आपके सामने रखना जरूरी है। नहीं तो आप सिर्फ एक सवाल है उसका आपने उत्तर लगा दिया, अगला क्वेश्चन आ गया, ये तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, फिर यहां क्या मिल रहा है। तो उसके लिए क्लासेस देखना जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सवाल सिर्फ एक बहाना है, इसके बाद की जो कहानी है गुरु वो तो बात ही अलग है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक में आपको देखना होगा और चीजों को आपको नोट करते जाना है, ठीक है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी लखनऊ कब बनी थी। आपको राजधानियों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। पूरा मैंने नामकरण कल आपको करवा दिया था। देखिए, हर प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं एक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन रहे, उसके पीछे जो भी टॉपिक है वो सब आपको बता दूं। इसलिए नामकरण का पूरा टॉपिक कल करवा दिया है। आज ये जो राजधानी वाला टॉपिक था जरूरी था, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी लखनऊ कब बनी थी, पहले आप समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1836 से हमारे यूपी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, बताओ, वो थी आगरा। लिखते जाइएगा, 1836 से राजधानी जो थी यूपी की वो थी आगरा। इसके बाद में 1858 से जो राजधानी हुई वो हो गई इलाहाबाद। क्या हो गई? इलाहाबाद, यानी प्रयागराज। इसके बाद में 1921 से, क्या, इसके बाद में 1921 से लखनऊ राजधानी बनाई गई थी आंशिक रूप से, ठीक है। तो आप ये शब्द जरूर लिखिएगा, यही शब्द पेपर में आया था कि आंशिक रूप से यूपी की राजधानी लखनऊ कब बनाई गई थी। तो वो सवाल जो था वो यही सवाल था जो आपके एग्जाम में आया था। इसके बाद ये इसका आंसर नहीं है, आगे आप लिख लीजिएगा। अच्छा, पूर्णतः राजधानी का दर्जा कब मिला लखनऊ को, तो वो 1935 से मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि पूर्णतः रूप से जो लखनऊ को राजधानी का दर्जा मिला था वो 1935 से मिला था, ठीक है। बाकी डिटेल बहुत है, लेकिन अभी आप इतना ही कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब मैं अगला ही इसके पॉइंट है वो आपको करवाता हूँ, देखिएगा, आप नोट करते जाएगा। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, आपको पता रहना चाहिए। नामकरण अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 से हमारे यूपी का जो संयुक्त प्रांत नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस, उसका नाम चेंज हो गया था एंड यूपी हो गया था, ये आपको पता रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, सीधे सीधे ये सवाल पूछा जाएगा तो वो आप लिख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था वो आप लिख लीजिएगा, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और आपको पता रहना चाहिए कि यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया था, ये 2000 की बात है। तो याद रखना, 13 जो डिस्ट्रिक्ट थे, 13 डिस्ट्रिक्ट को आपको पता है यूके में मिला दिया गया था, ये विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अगला आप सवाल देखिएगा, उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा कौन सी है। सीधे सीधे सवाल है, अब बताइएगा, एक सवाल थोड़ी था, सवाल तो बहुत थे। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय जो राजभाषा है वो कौन सी है, वो है आपकी उर्दू। कौन सी है बताइएगा, वो है आपकी उर्दू है। कौन सी है बताओ, वो है आपकी उर्दू, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, ये आपका उर्दू हो जाएगा, ठीक। और ये कब बनी थी, 1989 के अंदर जो था द्वितीय राजभाषा उर्दू को दर्जा दे दिया गया था। आगे देखिएगा, आगे देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य के जितने भी हैं इन सब के बारे में सवाल आता है, छोटा छोटा सवाल होता है। तो भाई ये सब सवाल जो है वो आपको आना चाहिए, मैं इस तरह से आपको कर देता हूँ, वो डिटेल जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप ये डिटेल देखिएगा, अगर आपसे पशु पूछा जाए तो उसका नाम लिख लीजिएगा बारहसिंगा, ठीक है उसका नाम लिख लीजिएगा बारहसिंगा। उसका नाम है पशु का, हमारे यूपी का जो राजकीय पशु है। पक्षी की बात कर लेते हैं तो दो नाम लिख लीजिएगा, सारस और इसी को बोलते हैं क्रॉन्च, ठीक है, सारस और क्रॉन्च। आगे देखिए, वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष है आपका अशोक, क्या है, अशोक। पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प का नाम है पलाश या फिर इसे
टेसू भी बोलते हैं, ठीक है, टेसू। और ये कब बना था पता है, ये 2011 के अंदर इसे स्वीकृति दी गई थी। टेसू आपने देखा होगा, जब भी त्यौहार आता है हमारा तुम्हारा, तो टेसू खेलने के लिए बचपन ही जाते थे, तो वो पुष्प ऐसे समझ लीजिएगा। खेल की बात कर लेते हैं तो खेल जो है वो हॉकी है। क्या है, यूपी का राजकीय खेल हॉकी। एंड चिन्ह में बात कर देते हैं तो देखो, एक तो व्रत होता है, क्या होता है, एक व्रत होता है। एक व्रत में आपको पता होगा कितनी मछलियाँ होती हैं, दो मछलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, एक व्रत तो होता है, दो मछलियाँ होती हैं। और इसमें एक क्या होता है, तीर धनुष भी होता है। क्या होता है, तीर धनुष भी होता है। क्या होता है, तीर धनुष भी होता है, ठीक है, ये जो होता है। और इसके बाद में आपको पता है कितने स्टार होते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, यूपी के राज्य के चिन्ह में कितने स्टार होते हैं, ये स्टार का जवाब मैं जो वो आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको आ गया, अच्छा, ये जो तीर धनुष है वो कब स्वीकृत हुआ था, 1938 के अंदर हुआ था, ठीक है, ये सवाल आपको पता रहना चाहिए। तो पूरा का पूरा मैंने आपको करवा दिया, ये आपके जो है वो किसी भी तरह का कोई भी फैक्ट जो वो रहना नहीं चाहिए, सबका सब आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला देखिए, विधानसभा की सीटें के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होगा द्विसदनीय हमारे उत्तर प्रदेश का जो होता है विधानमंडल है, द्विसदनीय है, मतलब इसमें विधानसभा भी विधान परिषद भी है। तो विधानसभा की सीटों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा वो कितना है, वो आप नोट कर लीजिएगा, वो आप नोट कर लीजिएगा, वो है आपका 403। कितना है, 403। विधान परिषद की पूछ ली जाए तो विधान परिषद की है 100, लोकसभा की पूछ ली जाए तो वो है 80, एंड राज्यसभा की सीटें कितनी यूपी से, 31 हैं, एंड मंडल कितने बताइएगा, 18। और बताओ 18वां मंडल कौन सा था, बताइएगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया, ये है आपका अलीगढ़। कौन सा है बताइएगा, ये है आपका अलीगढ़, जो कि 2008 में बना। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ जिलों की तो बताइएगा जिले कितने हैं, बताओ 75 जिले आते हैं। कितने यूपी के अंदर आते हैं, 75। ये तो पूरा डाटा आपको नोट कर लेना चाहिए, कर लिया होगा। आगे देखिएगा कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ये सारे जो भी संस्थान हैं उन सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये अपना सहारनपुर के अंदर है। कहाँ पर बताइएगा, ये अपना सहारनपुर के अंदर है, ठीक है, इस सवाल को नहीं भूलना है। अब देखो पढ़ा रहे हैं तो सहारनपुर के बारे में तो पता होना चाहिए, यानी कि SRE। बताइएगा गाड़ी के ऊपर जो कोड होता है वो कौन सा कोड होता है, जैसे अपना आगरा में UPSC चलता है तो सहारनपुर में कौन सा कोड चलता है, ये आप बताइएगा। अब आप देखिएगा, आपको पता है गोरखपुर के अंदर, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गोरखपुर के अंदर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो था वो जेल हुआ था, पता है ना, काकुरी ट्रेन डकैती में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में जेल हुई थी। आगे देखिए, अलीगढ़ जो था मैंने अभी आपको बताया था, ये 18वां मंडल बना था जो कि 2008 के अंदर ऐड किया गया था, ठीक है, मुरादाबाद छोड़ दीजिएगा। अभी आप इनको आप देख लीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा, इन्हें आप नोट करते जाइएगा, बहुत ज़रूरी संस्थान है, ये पेपर में आते हैं बार बार। अगर आपसे बुद्धा थीम पार्क पूछ लिया जाए तो ये बताओ, ये है आपका सारनाथ वाराणसी, ठीक है, लिख लीजिएगा बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर है, सारनाथ वाराणसी लिखते जाइएगा, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। राज्य के चर्म संस्थान पूछ लिया जाए तो चर्म संस्थान ये कहाँ पर है, ये है आपका कानपुर के अंदर, कहाँ पर लिख लीजिएगा, कानपुर के अंदर है। अबुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट जो है वो कहाँ पर है, ये आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर है, कहाँ पर बताइएगा, ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ये आपको याद करना है। आपको पता है ये आपको पता है भारत का पहला जो फॉर्मूला फर्स्ट रेस होती है वो जो होती है वो बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में होती है, जो ग्रेटर नोएडा में होता है। आगे देखो, हरिश्चंद अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है, ये आपका। अब देखिएगा आगे आप नोट करते जाइएगा, आलू अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है पता है आपको, ये मेरठ के अंदर है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, मतलब 2018 में सवाल पूछा गया था यूपी पुलिस का। आगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपका झांसी के अंदर है, कहाँ पर है, ये झांसी के अंदर है। आगे लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये कहाँ पर है, तो ये आपका शाहजहाँपुर में, कहाँ पर बताइएगा, शाहजहाँपुर में, ठीक है, ये शाहजहाँपुर में। आगे देखिएगा, आगे भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये कहाँ पर है, तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये आपका लखनऊ में है, कहाँ पर है बताओ, ये आपका लखनऊ में है। आगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये आपका बरेली के अंदर है, कहाँ पर है बताओ, ये बरेली के अंदर है। एशिया का पहला DNA बैंक ये कहाँ पर है, ये लखनऊ के अंदर है, बायोटेक पार्क में, कहाँ पर है, जो बायोटेक पार्क है लखनऊ में उसके अंदर है, ठीक है, बायोटेक पार्क लखनऊ के अंदर है। एंड ये जो वो है एशिया का पहला DNA बैंक, ये लखनऊ के बायोटेक पार्क में, ये सब नोट कर लिया, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे 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 देखिए, 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व
ठीक है, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? यूपी का जिला है, बड़ा एक प्यारा जिला है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? ठीक है, सबसे ज्यादा जनघनत्व, घनी आबादी, ये है आपका गाजियाबाद में। कहां पर है बताओ? ये गाजियाबाद में इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसके कुछ सवाल है वो आप नोट करते जाइएगा। देखिएगा यूपी के अंदर आपसे पूछे जाने वाले बैक टू बैक सवाल है, इनको आप नोट कर लेना, भूलना मत भाई। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा जनसंख्या में सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर, सबसे कम किस जिले में, जनघनत्व, औसत साक्षरता, ये सारे सवाल जो ये वो हैं जो आपके पेपर में आते हैं, तो आप नोट करते जाएगा। देखिए जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी के किस जिले के अंदर है? ये आपका प्रयागराज के अंदर। कहां पर है बताओ? ये प्रयागराज के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? यह आपका महोबा के अंदर है। कहां पर बताओ? महोबा के अंदर। ठीक है, जनघनत्व सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है जनघनत्व वो कहां पर है? यहाँ पर ये पड़ता है गाजियाबाद में। कहां पर है लिख लीजिएगा? गाजियाबाद में। कहां पर पड़ता है? गाजियाबाद में। और सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? यह आपका ललितपुर के अंदर है। कहां पर है? ललितपुर के अंदर है। ठीक है, यूरेनियम जहां पर मिलता है। औसत साक्षरता की बात करता हूं तो औसत साक्षरता में सबसे ज्यादा वाला कौन सा जिला है? तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। लिख लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, और सबसे कम औसत साक्षरता कहां पर है? ये आपका श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले जाए कि पुरुषों की साक्षरता वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, लिखते जाइएगा गौतम बुद्ध नगर। भाई हमने भी ऐसे याद किए थे, बस आपको जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं में से जो है इसी तरह के सीक्वेंस को आपको करवा रहा हूं। एंड सबसे कम जो साक्षरता है वो आपका श्रावस्ती में। साक्षरता कहीं भी आ जाए श्रावस्ती ही उसका आंसर होगा अगर कम की बात कर रहा है। महिला की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिला कहां पर पढ़ी लिखी है? तो सबसे ज्यादा महिला पढ़ी लिखी है कानपुर नगर के अंदर। कहां पर है बताओ? कानपुर नगर के अंदर। अभी पढ़ाई की बात है तो श्रावस्ती इसका बिल्कुल आंख बंद करके जो है वो इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। आगे देखिए लिंगानुपात की बात करता हूं, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? तो ये जौनपुर के अंदर है। कहां पर बताओ? ये जौनपुर के अंदर है। और सबसे कम लिंगानुपात ये कहां पर है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। कहां पर है बताओ? ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात यूपी के अंदर कहां पर है, तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर के अंदर। कहां पर है? बलरामपुर। देखो बलराम भी तो एक जो थे शिशु थे। और सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम है देखो बागपत के अंदर। कहां पर है? बागपत के अंदर। ठीक है, अब ये पूरा डाटा आपको समझ में आ गया होगा, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा वाले जिले ये हैं, सबसे कम वाले जिले ये हैं, इनको याद कर लेना। अगर याद नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा, फिर आप भूल जाइए आपका नंबर आएगा। आगे देखो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के सवाल जो बहुत जरूरी थे वो मैंने यहाँ नोट कर लिए, आप भी नोट करिएगा, याद करिएगा। बिना याद करे, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार मेहनत कर लीजिएगा, इन फ्यूचर नौकरी लगने के बाद में भी ना आपको चीज याद रहेंगी, ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, आर के नारायण, मार्क तुली, ज्योतिबा फुले या अनीता देसाई। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, ऐसे याद रखो कि गुलाम किसी की गुलामी कर करके ज्योतिबा जो है वो फूल गई। ठीक है, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अब देखो जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं वो सब आपको मिलान करना है। क्या करना है आपको? मिलान करना है। पहले मैं आपको इधर वाला मिलान करवाता हूँ, मतलब ये वाला हिस्सा का आपको पहले मिलान करना है, उसके बाद हम उधर चलेंगे। ठीक है, इन सारी किताबों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप सीरियस है ना भाई वर्दी लेने के लिए, ये अगर ये वर्दी तन पर पहननी है, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि यार गांव के अंदर जाएंगे, बारात में जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो सही बता रहे हैं। जब नौकरी पेशे वाला आदमी छुट्टी पर आता है ना भाई साहब, तो जितना पूरे जीवन के अंदर जितना उसने दुख नहीं देखे होंगे, उससे ज्यादा सुख का अनुभव करता है जब पड़ोसी चाचाताऊ कहते हैं यार देखो लड़का तो बहुत भाई पढ़ने वाला था, पूरा हरामी था, सबको पता है, पूरे गांव को पता है कि भाई इससे बड़ा हरामी, इससे बड़ा लड़ाई लड़ाकू जहाज, एकदम गैंगस्टर कोई नहीं रहा। लेकिन जब नौकरी लग जाए, यार पढ़ता तो था जी, अरे जी हम देखते थे कि जब साइकिल से जाता था साहब, पैदल जाता था, और हाँ ये कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको वो अनुभव लेना है, आपको लगता है कि जी माँ बाप की एकदम इज्जत बल्ले बल्ले करनी है, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा ये पुस्तक है, ये लेखक है, हम मिलान करेंगे जल्दी जल्दी, आराम से हो जाएगा। देखो अष्टाध्यायी की कौन सी बताओ? अष्टाध्यायी मिलेगा पाणिनि से। ठीक है, आप जैसे मिलान चाहें वैसे आप मिला लीजिएगा, मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहेगा, जैसा आप चाहें वैसे आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो तो अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा बताओ? पाणिनि हो जाएगा। हिमायू मतलब ऐसे समझो, आठ अध्याय थे और वो पंडित जी ने पढ़े थे, आठ अध्यायों को किसने पढ़ा था? पंडित जी ने पढ़ा था। आगे देखो हिमायूनामा, तो हिमायूनामा अब ऐसे समझो कि हिमायूं का जो बदन था वो एकदम मस्त था, तो हिमायूं का बदन कैसा था? एकदम मस्त था। तो ये हो जाएगा गुल बदन बेगम,
आगे देखिएगा राज तरंगड़ी, अब ऐसे समझो राज ने तरंग को गिनने के लिए कह दिया, तो सामने वाले ने बोल दिया आज नहीं कल, कल गिनूंगा, तो ये कल्लड़ हो गया। आगे देखिएगा, आगे देखो भाई बड़े ही अच्छे और जबरदस्त शानदार जिंदाबाद वाले सवाल हैं। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का तो किसको नहीं पता होगा, अर्थशास्त्र है चाणक्य, क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र चाणक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा चाणक्य हो जाएगा। आगे देखो अकबरनामा तो अकबरनामा का कौन सा होता है बताओ, अबुल फजल होता है, क्या होता है ठीक है अबुल फजल इसका आंसर हो जाएगा। अनामिका परमल, अनामिका परमल किताब किसने लिखी है बताओ, अनामिका परमल लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी ने, किसने सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है ठीक है। आगे देखिएगा एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है वी एस नायपाल, क्या वी एस नायपाल ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब डार्क अंधेरा हो रहा था, सामने वाले ने बोला कि भाई अंधेरे में जाओ, तो उसने बोला ना मैं नहीं जाऊंगा भैया ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। अब आप इन किताबों पर आ जाइए। देखिए हार्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत का दिल, अब भारत का दिल कौन सा है बताओ ज्योतिबा फुले, मार्क तुलिया, आर के नारायण, तो हार्ट ऑफ इंडिया जो है ये आपका मार्क तुली का है, किसका बताओ मार्क तुली का है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो मैंने बताया था गुलामी कर करके ज्योति ज्योति फूल गई थी, तो ये ज्योतिबा फुले इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। इसके बाद मालगुडी डेज, मालगुडी मालगाड़ी के ऊपर क्या जा रहा था बताओ, नारियल जा रहा था, तो आर के नारायण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर के नारायण हो जाएगा। कराई टू पीकॉक द जिगजैक बे, कराई टू पीकॉक द जिगजैक बे ये किसने लिखी थी, ये किसने लिखी थी, तो ऐसे ही याद रखो पीकॉक था, पीकॉक मतलब मोर था, मोर उड़ करके कहां चला गया अनीता जी के पास चला गया, तो ये हो जाएगा आपका अनीता देसाई वाला। आगे देखिएगा द लास्ट मैन इन द टावर, टावर में मतलब एक टावर है, टावर में सबसे एक अंतिम व्यक्ति है, तो वो मतलब वो बाहर नहीं निकल रहा था, क्यों नहीं निकल रहा था क्योंकि वो अड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा अरविंद अडिगा। आगे देखो बंदी जीवन, बंदी का जीवन कैसा होता है, बंदी का जीवन कैसा होता है भाई, ये अनुभव तो आपको पता है कब आने के बाद, कहते ना कि स्वर्ग, वो कहते ना कि स्वर्ग में जाने के बाद में पता चलता है कि स्वर्ग का स्वाद कैसा रहता है ठीक है, वैसे ही जेल में आने के बाद में पता चलता है कि बंदी का जीवन कैसा होता है, तो कैसा होता है सरी शचिंद्र सन्याल ठीक है, एकदम जब जेल में आ जाता है किसी का जीवन अगर बंद जाए तो ऐसे समझो कि उसने संन्यास ले लिया, संन्याल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा डाटा आपको याद हो गया होगा, क्या हो गया होगा आपको याद हो गया होगा ठीक है, पूरा मैंने आपको लिखवा दिया है 13 मतलब 13 अगर मैं 13 किताबों को आपको क्वेश्चन वाइज देता तो सोचिए 13 सवाल हो जाते, आपको वो अच्छा लगता, देखो जी 13 सवाल करा दिए, भैया ऐसा मत बात करिएगा ठीक है, उनके चक्कर में मत घूमिएगा, आप ये याद रखिएगा भाई कि इसमें हमको बेहतर स्कोर करना है ठीक है, क्या करना है बेहतर स्कोर करना है, तो बात बनेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल फल कौन सा है, ये सवाल जो था वो कई बार आया था और विशेषकर ये हमसे गलत हो गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो इन फलों के बारे में ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता, राजधानी करेंसी वाला अगले टॉपिक यानी कल की क्लास में ले लूंगा, पूरा मामला खत्म हो जाएगा, 8वीं क्लास है, 2 क्लासेस बची हैं, जो भी टॉपिक है एक बार और पेपर को देख लूंगा, तो जो जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा दूंगा, एक नहीं पूरा करवा दूंगा। देखिएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है बताओ, अनार आम सेब या कटहल, तो इसको बोलते हैं कटहल, क्या बोलते हैं इसे कटहल बोलते हैं ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जैक फ्रूट, क्या बोलते हैं जैक फ्रूट बोलते हैं जैक फ्रूट। अब एक बात होता है ये जैक फ्रूट जो है ना बर्ड, ये जो है ये यूपीएसआई में पूछा गया था, ये यूपीएसआई में पूछा गया था, स्पेलिंग बनवाने के लिए 4 था, उसमें से एक फ्रूट की स्पेलिंग बनानी थी, जो फल था तो उसमें जैक फ्रूट की स्पेलिंग बनवानी थी, पेपर सॉल्व किए हो तो आपको पता रहेगा ठीक है। आम कहाँ का है बताओ, मैं आगे बता दूंगा, आम जो है आम मैंगो ये कहाँ का है बताओ, ये भारत का है, कहाँ का है ये आपका भारत का है ठीक है। और बताओ नेपाल का क्या है बताओ, नेपाल का है ऑरेंज ठीक है, ऑरेंज है मतलब संतरा है ठीक है। अनार कहाँ का है, क्या अनार कहाँ का है, और इसके बाद में सेब कहाँ का है, ये चलो सेब छोड़ दो इसको तो बताओ अनार कहाँ का है, चलो आगे हम बात करेंगे, आगे टेंशन ना लीजिएगा। देखिएगा राष्ट्रीय फल है इनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। साउदी अरब का बोलते हैं डेट मतलब खजूर, क्या है साउदी अरब का राष्ट्रीय फल कौन सा है, खजूर है। सिंगापुर का क्या है, सिंगापुर का लिख लीजिएगा ड्यूरियन, क्या है सिंगापुर का ड्यूरियन फल है, क्या है ड्यूरियन। यूक्रेन का क्या है, यूक्रेन का है चेरी, क्या है लिख लीजिएगा यूक्रेन का है चेरी। आगे देखो वियतनाम का क्या है, वियतनाम का है ड्रैगन फ्रूट, लिख लीजिएगा वियतनाम का है ड्रैगन फ्रूट
क्या ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। तो कनाडा का पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ब्लूबेरी, ठीक है, लिख लीजिएगा ब्लूबेरी जो है इसका राष्ट्रीय फल है। न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का आपको पता होगा, न्यूजीलैंड का है कीवी, क्या है। तो अफगानिस्तान का कौन सा होता है, अफगानिस्तान का अनार होता है, क्या होता है, अनार होता है, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पाकिस्तान का पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर दो चलते हैं, देखिएगा, एक तो चलता है आम और एक चलता है अमरूद। अब ये कौन कौन सा है वो आपको बताता हूँ। देखो गर्मियों के अंदर अगर गर्मी की बात करते तो आम है, और सर्दी की बात करते हैं, ठीक है, सर्दी की बात करते हैं तो ये आपका अमरूद हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। इसके बाद में भारत का क्या होता है, देखो भारत का सिर्फ आम है, क्या है, आम। सर्बिया का, सर्बिया का है प्लम, क्या है, सर्बिया का प्लम है। ये सारे के सारे वो हैं जो आपको जरूरी है भाई याद कर लेना, अगर आपको पेपर अच्छा चाहिए तो, क्या पेपर अच्छा चाहिए तो ये सब के सब नोट करो, सब के सब बैक टू बैक याद करो, तब तो बात बनेगी, नहीं तो भाई फिर बात नहीं बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो किससे है, तो बताओ वन्य जीवन, ओजोन परत, या फिर रामसर साइट, या विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, ये है आपका ओजोन परत। 1987, क्या 1987 के अंदर ये प्रोटोकॉल मतलब समझौता हुआ था, ये ओजोन लेयर की संरक्षण से संबंधित था अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे देखो रामसर साइट, अभी जनवरी 2024 तक हमारे भारत के अंदर कितनी है, 80 है, क्या है, 80 है, लेकिन 2021 जब तैयारी 2020 जब तैयारी करते थे हम, तो उस टाइम पर लगभग हमें हल्का हल्का याद है 27 था या 37 था, ऐसा कुछ था उस टाइम पर, मतलब समझ लीजिएगा तीन चार साल पहले, लेकिन अब जो 80 हो गया है। आगे देखिएगा, आगे आपको मिलान करना है, क्या करना है जी, मिलान, ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है भाई, इसमें जो जो चीज लिखी गई है उसको थोड़ा समझ लेना, और बाकी पूरी क्लास जो होता है वो खत्म हो जाएगी। देखिएगा आपको बेहतरीन तरीके से इनको समझना है, गलती मत कर देना। देखिएगा आपको पता होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें जो है वो आपको समझता हूँ, ये मिलान करने के लिए था, क्या था, मिलान करने के लिए था, ये रिट है। देखो आपको मैं बता दूं, जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पांच टाइप की जो होता है वो रिट जारी करता है, क्या जारी करता है, उपचार जारी करता है, यानी कि रिट जारी करता है। वो आर्टिकल नंबर किसके तहत है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि ये कहता है कि अगर हमारे जो मूल अधिकार हैं, यानी मूल अधिकार बताओ कहां पर है, भाग 3 के अंदर है, ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। अगर आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारा कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है, ठीक है, कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है, तो उसके तहत मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत है, रिट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो रिट ये पांच प्रकार के, पांचों बताऊंगा, सबका मीनिंग भी आपको बताऊंगा। अब देखो हाई कोर्ट भी जो होता है वो रिट जारी करता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है बताओ, वो है आपका 226 है, क्या है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226, एंड सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो ज्यादा नहीं, तो बात बहुत बढ़ जाएगी। अब देखिएगा, अब थोड़ा इधर देखिए आप, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस, इनको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे करके बताता हूं भाई, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, मिलान तो हम कर ही लेंगे लेकिन ये बहुत जरूरी है, इनको आप इंग्लिश में लिखते जाइएगा। पिछली बार जो यूपी पुलिस में आया था वो ये वाला सवाल आया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। अब एक बात और कह दूं, ये तो यूपी पुलिस का था, आपको लगता है ये सवाल सिर्फ यूपी पुलिस के, पता नहीं दूसरे में आ रहे नहीं आ रहे, एक बात होता हूँ, यूपीएसआई 2021 के पेपर उठा के देख लीजिएगा, पांचों के पांच को ये पूछा गया था कि इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पांचों के पांच को पूछा गया था परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अधिकार प्रच्छा को क्यू वारंट बोलते हैं, उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्जरी, एंड प्रतिषेध रेट को प्रोबिशन बोलते हैं, पांचों के पांचों सवाल आए थे कि नहीं आए थे, सिर्फ यूपी पुलिस में ये आया था, लेकिन बाकी यूपीएसआई में तो इतना सब पूछा गया था भाई। पढ़ना है, अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो भैया पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, कुछ भी करिए आप। अब देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 22 के तहत, मतलब आर्टिकल 22 के तहत आपको पता होगा एक पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर जो होता है किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जो होता है वो बंद करके नहीं रख सकता है। अगर रख रहा है, देखो ज्यादातर क्या होता है कि जब भी कभी कोई भी अगर थाने में पकड़ लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे जज साहब के सामने पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर उसमें क्या होता है, अभी आपने देख रखा हो, एक दिन हो गया, दो दिन भी हो गया, नहीं ले जाया जाता है, तो
उसमें अगर बीच में कोई हॉलीडे पड़ जाए, कोई छुट्टी पड़ जाती है, या फिर कभी ट्रैफिक जाम हो गया, किसी भी कोई मान लीजिए कोई बैड स्थिति आ गई, या फिर वहां पर बलबा दंगा हो गया, टाइम नहीं मिल पाया, तो ऐसी स्थिति में एक दो दिन का टाइम ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने थाने में बंद कर दिया और 10 दिन के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो आर्टिकल 22 के तहत 24 घंटे का ये अधिकार आपको दे रखा है, इसका हनन हो गया ना, उत्पीड़न हो गया, तो ऐसे में आप बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पियस के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो इलाज करेगा भाई साहब, सही बता रहे, थाने के अंदर इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर कोई भी हो, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है ना, तो सही बताएं पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है भाई साहब। उनका अगर आदेश आ गया तो आदेश का मतलब भाई साहब हाँ दरोगा जी बताइए क्या बात है, ये जो है 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं किया, अरे साहब कहा बताएं जी हमारे जो वो गाड़ी में पंचर हो गया साहब, पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया, नहीं जो है हम रिचार्ज चार्ज कर पाए। अब ये देखिएगा, अब बता रहे हैं जवाब नहीं दिखता है भाई साहब, कोई भी हाई कोर्ट अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही कोई भी अगर नोटिस आ जाए तो उसका जवाब नहीं दिखता है, इतना पेशी होता है भाई साहब। नौकरी में आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वो हैं जो हम झेल चुके हैं, इसलिए हमको बता रहे हैं बहुत प्रेशर होता है, स्पष्टीकरण जवाब तक नहीं दिया जाता है, चार चार पाँच पाँच लोगों से सलाह ली जाती है, भैया बताओ उसका क्या जवाब लिखें यार, तो दिक्कत होता है, ठीक है। वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है, ठीक है। क्या देता है सुप्रीम कोर्ट, ये आदेश देता है, क्या देता है, ये आदेश देता है हैबियस कॉर्पस में कि यू मे हैव द बॉडी, मतलब कि आप उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो ऐसे में याद रखना ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष उपस्थित, मतलब हम चाहते हैं कि उस बंदी को हमारे सामने और तुम भी आ जाओ, जो जो उस जो जो इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी तुम भी आओ, वो मामला होता है। परमादेश देखिएगा, परमादेश का इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस, भाई याद कर लो दिक्कत है, ठीक है। शुरुआत में हमको भी लगा था क्या याद करना चाहिए यार, परमादेश को बोलते हैं मैंडेमस। परम आदेश का मतलब क्या होता है, परम आदेश का मतलब होता है कि भाई साहब हम आदेश देते हैं, क्या देते हैं, हम आदेश देते हैं। देखिएगा जब भी कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारी अगर वो जो उसका कार्य क्षेत्र है, ठीक है, जो आपके मूल अधिकार है, मतलब आपका जो 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 आपके काम काज करने चाहिए, ठीक है, जो आपकी सुरक्षा करनी चाहिए, तो अगर वो काम नहीं करता है तो ऐसे में उसको जो है सुप्रीम कोर्ट एक ही रिट मतलब एक आदेश जारी करता है कि मैंडेमस मतलब हम आदेश वी कमांड, हम आदेश करते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है। इसके बाद में देखो अधिकार परीक्षा, मतलब क्यू वारंटो इसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अधिकार परीक्षा बड़ा ही शानदार है। देखो जब भी कोई देखो क्यू वारंटो का मतलब ये होता है कि जब भी कभी कोई भी अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर जिसके पास में संविधान के द्वारा अगर उसे कोई अधिकार दिया ही नहीं है और फिर भी वो काम कर रहा है, जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर नर्स जो है आप देखा डॉक्टर साहब ने हाँ कर दीजिए आप इसका जो ऑपरेशन कर दी, नर्स बताओ ऑपरेशन थोड़ी कर सकती है, बोलो हाँ या ना। डॉक्टर का सबॉर्डिनेट असिस्टेंट होता है नर्स, उसके सामने उसके उसके अनुसार जो होता है नर्स किसी को इंजेक्शन लगा सकती है, फिर भी वो उसका अधिकार तो नहीं है, फिर भी उड़ रही है जी, यस और नो। स्कूल के अंदर देखा हुआ सरकारी स्कूलों के अंदर क्या होता है, माली भी कभी कभी पढ़ाने चले आते हैं, तो वहां पर भी अगर किसी ने वीडियो बना लिया दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट चला गया तो क्यू वारंटो के तहत भाई साहब हवा निकल जाएगी, सही बात है, नौकरी खा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में वही चीज है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बड़ा ही दिक्कत है, रेट बड़ा खतरनाक चीज होता है। तो ऐसे में क्यू वारंटो होता है, ठीक है, क्यू वारंटो के तहत जो होता है वो अपील की जाती है, इस चीज का आप याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्यू अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि अधीनस्थ है और सुप्रीम काम कर रहा है जो उसे अधिकार ही नहीं दे रखा है, तो वो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दावे की वैधता चेक करना, इसका आंसर हो जाएगा दावे की वैधता चेक करना। आगे देखिएगा उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों के दोनों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित होते हैं। देखिएगा पहले आप प्रतिषेध रिट समझिएगा, प्रोहिबिशन इसका मतलब ये होता है, प्रतिषेध का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब किसी भी अधीनस्थ कोर्ट के अंदर चल रहे मुकदमे को अल्पकाल के लिए रोक देना कि भाई अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इस मुकदमे को रोक दीजिए, बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो रिट जारी करता है ये हाई कोर्ट अपने अधिस्थान को कर देगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के को कर देगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इन दोनों को कर सकता है, ठीक है, दोनों को भाई रुक जाइए थोड़ा सा सबर करिए। तो ये होता है प्रतिषेध, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, निषेध, इसका मतलब क्या होता है, निषेध होता है। आगे देखिएगा सर्जरी, ठीक है, ये वैसे सर्टिवररी बोलते हैं लेकिन हम इसे सर्जरी बोलते हैं, उत्प्रेषण का, ये दोनों जो होते हैं ये कानून से संबंधित होते हैं, इनसे हमारा नागरिक का कोई भला नहीं होता। इसके बाद में देखो सर्जरी का मतलब होता है, सर्जरी का मतलब होता है क्या होता है, प्रमाणित करना, क्या होता है, प्रमाणित करना, क्या होता है, क्या प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण का मतलब प्रमाणित करना, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक। अब देखो उत्प्रेषण रेट का मतलब होता है सर्जरी, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना, मतलब टू बी सर्टिफाइड, मतलब आप समझिएगा सर। देखो उत्प्रेषण रेट का मतलब क्या होता है पता है जी? देखिएगा जब भी कभी कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो तो उसे हाई कोर्ट जो होता है उस पूरे मुकदमे को बंद कर सकता है। अगर कोई मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे को रद्द कर सकता, बिल्कुल खत्म कर सकता है, बंद कर सकता है, स्टॉप कर देगा, ठीक है ना। तो वो होता है उत्प्रेषण रेट। जैसे 2010-11 के आसपास आपको बताओ बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ था उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन को जो था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, अरे अरे रुको 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 भाई रुको 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 अभी इस मैटर को थोड़ा सा आप हमें दे दो। तो वो कौन सा था? वो था प्रतिषेध रेट, प्रोहिबिशन, ठीक है, निषेध कर दिया था, कुछ समय के लिए रुक जाओ आप इस मैटर को हमें दे दीजिएगा। तो वो होता है, लेकिन किसी भी मुकदमे को पूरा एंड कर देना, क्लोज कर देना, खत्म कर देना कि ये सुनवाई के लायक है ही नहीं, खत्म करो, तो वो होता है आपका उत्प्रेषण रेट। उम्मीद करता हूं भाई पूरा का पूरा आपको जो समझ में आ गया होगा, एंड मैं उम्मीद करता हूं आपको आपका कितना नंबर है वो तो जो भी आप जाने कमेंट कर दीजिएगा, आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट के अंदर इसका जवाब देंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, क्लास कैसा लगा। एंड यार जितने भी मेरे दोस्त साथी हैं जो मुझे लाइक करते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड कमेंट करके, ठीक है। अगर आप यहां तक आए तो मैं जान जाऊंगा इस कमेंट जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्या जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका अगर आपने जवाब दे दिया तो आप समझ लेंगे कि मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। तो मैं बस वही जानना चाहता हूं, मुझे आप बहुत छोटा सा सवाल है उसका आप जवाब दीजिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध मतलब फर्स्ट जो वॉर था वो किन दोनों के बीच में हुआ, कौन हारा गया, कौन जीत गया, कब हुआ था ये, तो इसका जवाब आपको मुझे देना है। बाकी रिमेनिंग क्लासेस सर हम कल चालू करेंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।